हेलो दोस्तों, मैं हूँ महेश डेर, मंगलेश्वर गिर डेयरी फार्म से। आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो आज देख रहे हैं मंगलेश्वर गिर डेयरी फार्म की सभी गायों है, आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, जूनागढ़ खड़िया गांव से। आप सभी भाइयों को हमारी गायों कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में बताना। ये हमारी बाहोड़ है, ये 7 महीने प्रेग्नेंट है। और जो ये देख रहे हैं ये हमारी जानकी है। जो जानकी है वो उसके नीचे काफ़ी शानदार बछड़ा था, वो मर गया है और फिर से गबन हो चुकी है। और ये है हमारी शीतल, शीतल भी काफ़ी बेहतरीन गाय है, बहुत ही प्योरिटी वाली गाय है, देख रहे हो। और जो ये देख रहे हैं बछड़ी, ये हमारे कन्हैया बुल की थी। और मदर की साइड से बात करूँ तो भद्रा है हमारे पास, उसकी बेटी है। और ये है हमारी मंगू, मंगू को आप देख रहे हैं कैसी बछड़ी है, बहुत ही शानदार बछड़ी है। काफ़ी लाजवाब है। और जो अभी मैं ये बछड़ी दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास जो गैरेज गाय है उसकी है, 7 से 8 8 8 से 8 9 मून की बछड़ी है। ये दूध पी रही है अभी भी, इसलिए इसको मुंह पे ये बांधा हुआ है, क्योंकि पूरे दिन मिल्क पिए नहीं उसकी माँ का, इसलिए। और जो ये भद्रा है हमारी, मैंने अभी बच्चा ये बछड़ी बताई, उसकी मदर है। और ये बछड़ी भी इसकी है। भद्रा को अब दो स्तन है, दो स्तन बंद हो गई है। ये बछड़ी भी काफ़ी लाजवाब है, आप देख सकते हो। और आगे आए तो ये हमारी संगू है, संगू काफी बेहतरीन बची है, आप देख सकते हो इसको भी। बहुत ही बढ़िया प्योरिटी वाली है बछड़ी है। और आगे आओ तो ये हमारा पवन है, इसका सीमन हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो हमारा कांटेक्ट बनाइए। इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, देख सकते हो। पवन पवन किसी भी भाई को इसका सीमन चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट बनाइए। और आगे आओ तो ये जो देख रहे हैं ये हमारी पूनम है, ये हमारी कृष्णा है। कृष्णा अभी 8 महीने प्रेग्नेंट है, काफ़ी लंबी चौड़ी ऊंची गाय जो मैंने अभी तक नहीं देखी, इतनी पहले बेच भी आई है,
और फिर वापस 8 मिनट ब्रेक लेने। लेकिन आपने अभी तक इतनी गाय मैंने तो नहीं देखी इतनी लंबी चौड़ी ऊंची गाय, और इसकी जो प्योरिटी है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी ऊंची गाय है। अभी पहला ही बेद भी आई है और दूसरे प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत बढ़िया गाय है, देख सकते हो इसको। ये दूसरा बेद गबन है, 8 मंथ प्रेग्नेंट है और अभी भी मिल्क 4-4 लीटर दे रही है। और आगे आओ तो ये है हमारी कंकु। कंकु जो है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। हाँ ये ले और से आ गया हो तो ये है हमारी चंदा। इसने हमारे पवन की काफी लाजवाब एक बछड़ी को जन्म दिया है 7-8 दिन पहले, और बहुत ही पुरानी नस्ल की गाय है अब देख सकते हो। और ये है हमारी रिद्धि। रिद्धि रिद्धि की प्योरिटी की बात करें तो आप देख सकते हो अभी, और ये भी 8 मंथ प्रेग्नेंट है, 1 महीने के बाद ये भी बच्चा जन्मने वाली है। अभी सभी खा रही है। ये है हमारी पूनम। देख सकते हो। और ये है लक्ष्मी। अंकु और ये इसके पास ये शिवानी है हमारी। मैं अभी आप सभी भाई को, ये है शिवानी, ये रिद्धि है, और ये राधिका है, और ये हमारी रिद्धि की बछड़ी है। ये रीति है, देख सकते हो इसकी प्योरिटी। तो आप सभी भाइयों को हमारी गायों कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में बताना, क्योंकि अगर कोई इसमें हमको भी आप सभी भाइयों के भाइयों से सीखने मिले कुछ हमारी मिस्टेक हो तो। और हाँ, एक जरूरी तो मैं बताना भूल गया, जो ये बछड़ा है ये हमारे कृष्णा का है, और ये बछड़ा इसका है कृष्णा का। ये बछड़ा हमें किसी भी कोई भाई गोपालन करना चाहता है तो ये बछड़ा हमें फ्री में देना है। जय गौ माता सभी भाइयों को। अगर आप सभी भाइयों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें कमेंट में बताना।